नमस्कार, हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। एक बार फिर किसान संगठन सरकार से अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड़ में है। जी हां, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर देश भर के किसानों ने आज दिल्ली घेराव करने की तैयारी कर ली है। देश भर के 184 किसान संगठन आज दिल्ली पहुंचेंगे। किसान ट्रैक्टर, जीप, रेल, कार और बाइक से दिल्ली पहुंचेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर, किसानों को कर्ज मुक्त करने को लेकर उनकी जो मांगे हैं उसे लेकर किसानों में रोष है, जिसे लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज किसान अपनी इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली का घेराव करेंगे। तो किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कितने समय से उनकी ओर से ये मांगे की जा रही हैं, अब सरकार से आर पार की लड़ाई करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। दिल्ली घेराव करने को वो तैयार हो चुके हैं। 184 संगठनों के किसान दिल्ली पहुंचेंगे और उनका कहना है कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो तमाम वायदे किसानों से किए गए थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, किसान को कर्जा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर 184 संगठनों के किसान दिल्ली पहुंचेंगे। बात करेंगे फतेहाबाद की, जहां पर 3 साल के मासूम से एक मां की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। जी हां, इस वीडियो में एक महिला बच्चे की बुरी तरह से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। गुप्त शिकायत मिलने पर बाल संरक्षण विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर मासूम बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और इलाज के लिए बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया है कि बच्चे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और बच्चे की हालत भी काफ़ी नाजुक है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राथमिक जांच में बच्चे के माता पिता से पता चला है कि बच्चे को गोद लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे से हैवानियत भरा व्यवहार किया जाने लगा। वहीं वहां पर मौजूद बीजेपी के जिला स्तरीय एक सीनियर पद के नेता आत्मा प्रकाश ने कहा है कि माँ बाप को अब कार्रवाई के लिए परेशान ना किया जाए और इस वीडियो को भी डिलीट किया जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो हैवानियत भरा वीडियो आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 साल के मासूम की पिटाई की जा रही है। तो हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र मुंगा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, वीडियो हमारे सामने है, दर्शक भी देख सकते हैं किस तरीके से 3 साल के मासूम की पिटाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? इस मामले के अंदर जो बाल संरक्षण विभाग की टीम की ओर से कार्रवाई की गई है और महिला को गिरफ्तार इस मामले में किया जा रहा है और शिकायत पुलिस को दे दी गई है, क्योंकि पड़ोसियों का जो कहना है अभी लगातार महिला की ओर से बच्चे को पीटा जा रहा था और उसके बाद ये वीडियो उनके द्वारा बनाई गई और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो मीडिया तक ये पहुंची है तो हरकत में विभाग ये अपनी ओर से आया है। हाँ, तो जितेंद्र, जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने है, काफी हैवानियत भरा ये वीडियो है, बेरहमी से जो ये माँ है बच्चे की पिटाई करती देखी जा रही है, तो क्या पहली बार ये ऐसा हुआ है? इससे पहले भी बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार जो कह सकते हैं कि किया गया है? नहीं, पड़ोसियों का कहना है अभी इससे पहले भी जो पिटाई, इस तरह की दर्दनाक पिटाई की बच्चे की जाती है और इसके इस बार जो पड़ोसियों ने इसकी वीडियो बना ली है ताकि मामले का खुलासा इसमें अंदर हो सके। दंपत्ति का ये जो बच्चा है गोद लिया हुआ बताया जा रहा है और दंपत्ति का कहना है अभी पंजाब इलाके से बच्चे को गोद लेकर आ गए। तो जितेंद्र, जिस तरीके से पड़ोसियों ने ये वीडियो बनाया है और उसके बाद ये वीडियो सबके सामने आया है, तो आज तक किसी ने जब देखा पहले भी इस तरीके से पिटाई करते हुए, तो अभी तक किसी ने आवाज इसे लेकर क्यों नहीं उठाई? इस मामले में पड़ोसियों का कहना था, क्योंकि हर व्यक्ति के घर का इसमें पर्सनल मैटर होता है, तो पड़ोसियों द्वारा इस मामले में कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन जब लगातार इस तरह की पिटाई के मामले सामने आने लगे तो उसके बाद पड़ोसियों की ओर से वीडियो बनाया गया और उसके बाद इसे वायरल किया। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए, और भी अपडेट आपसे लेंगे। इसी के साथ बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। जी जी, तो सर, जिस तरीके से ये वीडियो लगातार वायरल हुआ है, 3 साल के मासूम के साथ हैवानियत भरा व्यवहार किया जा रहा है और आपने अभी से अस्पताल में भर्ती कराया है, तो जब आपके संज्ञान में ये मामला आया है, सबसे पहले क्या कुछ कार्रवाई आपने इसे देखते हुए की? ये हमारे जो संज्ञान में मामला आया कल दोपहर को ही आया था और हमने तुरंत उसी वक्त टीम बनाई और टीम बना करके मौके पर पहुंच गए हम। हाँ। और जब मौके पर पहुंचे तो हमें बच्चा इसी तरह से आंगन में बैठा हुआ मिला और हमें उसकी हालात कुछ अच्छी नहीं लगी और इसी व्यव पे हमने कार्रवाई पे उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा है, तो मुझे डाउट हुआ कि आपका बच्चा नहीं है। जब हमने प्रेशर किया तो उसने बताया कि नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, हमने तो इसको गोद ले रखा है। और इस संदर्भ में फिर मैंने उनसे कहा कि गोद ले रखा है तो मुझे जो भी कागज कार्रवाई आप दिखाइए,
तो उस वक्त वो कुछ दिखा नहीं पाए और बच्चे की हालात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसको बाल कल्याण समिति में लेना अच्छा समझा और उसी वक्त उसको बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर दिया मैंने बच्चे को। तो सुरजीत जी, जब आपने बच्चे को देखा तो क्या बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे या किस तरीके के हालात थे बच्चे के? निशान काफी थे बच्चे के शरीर पे, चोट के भी थे, कुछ अलग भी थे, परंतु दूसरा मैटर एक ये भी आ रहा था कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए उसमें वो टीबी का मरीज दिखाया जा रहा है बच्चा। हाँ। तो चोट के निशान जब टीबी का मरीज होता तो जल्दी ठीक भी नहीं होते, और जो एक दो हमें रिपोर्ट और आई कि बच्चा गिरा हुआ भी है और उसकी पिटाई के भी है, तो पिटाई के भी निशान साफ नजर आ रहे थे। कुछ हो सकता है वो गिरा हुआ सीढ़ियों से गिराया गया या गिरा, ये अभी साबित नहीं हो पाया। तो सुरजीत जी, क्या कह सकते हैं कि बच्चे के जो परिजन हैं जिन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया है, बच्चे की बुरी तरीके से पिटाई की गई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, कल रात को FIR करवा दी गई है। हाँ। और उसको अरेस्ट भी साइड कर लिया गया है और आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, हमारे विभाग ने कहा है कि किसी भी तरह से। लेकिन सुरजीत जी, वहाँ मौजूद बीजेपी के जिला स्तरीय एक सीनियर पद के नेता आत्मप्रकाश ने कहा है कि माँ बाप को कार्रवाई के लिए परेशान ना किया जाए और वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाए, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? हमारे पास देखिए कोई भी किसी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं आया है, ना किसी से मेरी बात हुई है इस मामले में। हम अपनी स्पष्ट कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी होएगा इसमें बाल कल्याण समिति उसमें वो कार्य करेगी जी। चलिए सुरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई जो है परिजनों को लेकर की जाएगी। तो बाल संरक्षण विभाग ने बच्चे को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। तो जितेंद्र, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, हैवानियत भरा ये वीडियो है। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि 3 साल का ये मासूम बच्चा है जिसके साथ हैवानियत भरा व्यवहार किया है और मां की शर्मनाक हैवानियत का ये वीडियो सामने आया है, और बाल संरक्षण विभाग ने बच्चे को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। उनका कहना है कि FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और बच्चे के जो परिजन है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही हरियाणा का मल्टीपल प्लाट अलॉटमेंट मामले में कई और चौंकाने वाले नामों का खुलासा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा की मृतक मां रिटायर्ड IAS जीजा, कई पूर्व MLA समेत कई IAS और IPS अधिकारियों पर धोखाधड़ी से प्लाट हासिल करने का मामला पंचकुला सेक्टर 5 थाने में दर्ज किया गया है। पंचकुला पुलिस सभी आरोपियों को नोटिस देकर बुलाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के मामले में पुलिस अब गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है और इसकी जानकारी पंचकुला से पुलिस के SP मनबीर सिंह ने दी है। इसमें 59 केसेस दर्ज हुए अभी 2 दिन पहले पंचकुला में, और इसमें बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने एक प्लॉट होते हुए झूठा एफिडेविट देके और एक केस, एक प्लॉट और कोई दूसरी जगह पे दूसरे शहर में ले लिया, उससे संबंधित ये केसेस हैं जी। काफ़ी लोगों के खिलाफ इसमें केसेस दर्ज हुए हैं और इसमें काफ़ी सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। तो मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट मामले में HSVP में प्लॉट पहले तो ड्रॉ के जरिए लिया गया, लेकिन उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में रेट में छूट मिलती थी, जिसके चलते HSVP में झूठे एफिडेविट दिए गए। मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट मामले में HSVP में प्लॉट पहले तो ड्रॉ के जरिए लिया गया, लेकिन उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में रेट में छूट मिलती थी, जिसके चलते HSVP में झूठे एफिडेविट दिए गए कि उनके पास कोई भी प्लॉट नहीं है। यानी इन एफिडेविट के दम पर इन प्लॉट्स को लिया गया, जिसके चलते पॉलिसी के अनुसार इन्हें पकड़ा गया और अब मामला दर्ज करवाया गया है। बल्लभगढ़ के प्रथला विधानसभा क्षेत्र को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ी सौगात दी है। अनिल विज ने जहां गांव शाहपुर कला में शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया, तो वहीं गांव सीकरी में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले PHC का भी शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब गुंडों की खैर नहीं है, गब्बर उनसे हिसाब लेगा। आम लोगों को तंग करने वाले ऐसे गुंडों को अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल,
और विधायक तेगचंद शर्मा भी मौजूद रहे। अब हरियाणा में जल्द ही ऐसी खेल नीति को लागू किया जाएगा जिसमें खिलाड़ी खुद ही अपने हिसाब से अपनी नौकरी देखकर चयन कर पाएंगे और अपॉइंटमेंट लेटर सीधा उनके घर तक पहुंचेगा और अगले 10 दिन में इसी नीति को अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार काम कर रही है और जैसे ही इस पर कोई नतीजा निकलेगा जल्द ही वो सबके सामने आ जाएगा। फतेहाबाद के एक गांव में 23 साल की विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है जहां पर गांव के 8 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के ही युवकों ने उसका घर से अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया है कि पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराए गए अपने बयानों में आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने घर के बाहर से उसका अपहरण किया और मोटरसाइकिल पर उसे खेतों में ले गए जहां पर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका गैंगरेप भी किया। साथ ही डीएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है और पीड़िता के 164 के तहत बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं 5 आरोपियों की पहचान भी कर ली जा चुकी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये 21 तारीख की घटना है, शाम 7 बजे की। पीड़िता ने अपने बयानों में लिखवाया है कि 7-8 लड़के थे, उनमें से एक गुलशन भी था नामक व्यक्ति, और उसको मोटरसाइकिल पर लेके चले गए। उसके साथ जो है गैंगरेप हुआ, छेड़छाड़ हुई, उसमें हमने मेडिकल के लिए मेडिकल राय ले ली है, 164 के बयान करवा लिए हैं। जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी पूछताछ के लिए उनकी धरपकड़ जारी है। वहीं लोहारों के झांझड़ा श्योरान गांव में बीते दिन बसों की कमी को लेकर बस अड्डा पर छात्रों ने जाम लगाया। छात्रों का आरोप है कि वो पिछले 1 साल से बसों की कमी को लेकर झेल रहे हैं और बार बार अपील किए जाने के बावजूद रोडवेज प्रशासन उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। छात्र छात्राओं ने बताया है कि वो लोग बसों की कमी दूर करने की मांग को लेकर SDM, तहसीलदार और रोडवेज अड्डा प्रबंधक को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। छात्रों ने बताया है कि बसों की कमी के कारण वो समय पर अपने संस्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी पढ़ाई में उन्हें अब परेशानी हो रही है जिससे तंग आकर उन्होंने रोड जाम जैसा कदम उठाया है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं को उनकी समस्या का जल्द हल करने का भरोसा दिलाकर जाम खोलने पर राजी किया। वहीं पलवल के प्रकाश विहार में महिला थाना पुलिस ने चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से सेक्स रैकेट में शामिल 3 महिलाओं और 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला थाना पुलिस इंचार्ज कमला देवी ने बताया कि प्रकाश विहार निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पड़ोस के एक घर में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश की। दबिश के दौरान पुलिस ने मकान से 3 महिलाओं और 2 युवकों को आपत्तिजनक हालात में देखा जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ली गई महिलाओं में 2 विवाहिता हैं जबकि 1 अविवाहित है। 5 आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और वहीं महिला थाना SHO ने बताया है कि मकान मालिक दबिश के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना मिली थी कि एक वेश्यावृत्ति प्रकाश कॉलोनी में हो रही है, तो हम मौके पे पहुँचे। वहाँ तो 3 लेडीज अंदर थी, 2 जेंट्स थे और जो मकान मालिक थे वो फरार हो गए एकदम देखकर, तो उन 5 को हमने काबू कर लिया टीम के साथ।
रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बी फार्मा के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जैसे ही उसके साथियों ने छात्र को फांसी लगाते हुए देखा तो उसे किसी तरह से बचा लिया और उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे कुछ समय बाद छुट्टी दे दी है। अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की है। पुलिस को जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची, लेकिन अभी छात्र के बयान दर्ज नहीं कर पाई है। बता दें कि युवक गुरुग्राम के सैदपुर गांव का रहने वाला है। झज्जर लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर कार्यरत जिला पुलिस प्रमुख कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब शिकायत लेकर आई एक महिला ने वहीं पर जहरीली गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वहां मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी की वजह से महिला जहरीली गोलियों को अपने मुंह में नहीं डाल पाई। वहीं महिला कांस्टेबल ने महिला के हाथ में जहरीली गोलियां भी छीनकर अपने कब्जे में ले ली। आत्महत्या का प्रयास करने वाली इस महिला के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आत्महत्या करने का प्रयास करने वाली महिला का अपने ससुराल के लोगों से पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। महिला पहले भी अपने ससुराल पक्ष के लिए उनके लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा चुकी थी जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अब दोबारा महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेकर लघु सचिवालय पहुंची थी। तो लघु सचिवालय पहुंची थी महिला, जहां पर ससुराल पक्ष को लेकर वो रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी। यहां पर महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जहां पर लेडी कांस्टेबल ने उसके इस प्रयास को विफल कर दिया और उसके पास जो जहरीली गोलियां थी उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। तो महिला का कहना है कि पहले भी उसने अपने ससुराल पक्ष को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो लघु सचिवालय पहुंची और वहां पर पहुंचकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और जहरीली गोलियां निगलने की कोशिश की, लेकिन महिला कांस्टेबल ने उसकी इस कोशिश को नाकामयाब किया और उसके पास जो जहरीली दवाइयां थी उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। सोनीपत के गांव ताजपुर के दीपक ने गत 19 फरवरी को मानव अधिकार आयोग दफ्तर के बाहर जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दीपक ने पहले अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की कई जगह शिकायत की, लेकिन उसकी किसी ने भी बात नहीं सुनी, जिसके चलते दीपक ने बड़ा कदम उठाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गाँव के सरपंच ने 2 साल पहले उससे पट्टे की जमीन के पैसे तो ले लिए, लेकिन उसे जमीन नहीं दी, जिसके चलते वो विवश हुआ और इतना बड़ा कदम उठाने को वो मजबूर हो गया। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो परिवार भी दीपक की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। और इस पूरे मामले में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा है कि अगर ऐसा किसी किसान ने किया है तो ये बड़े दुख की बात है। डीसी सोनीपत इस पूरे मामले की जांच करेंगे और दोषी अधिकारी और सरपंच पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में सोनीपत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीके भारद्वाज ने कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है। ताजपुर गांव के दीपक के परिजनों ने सरपंच के खिलाफ शिकायत दी और इस पूरे मामले में गहनता से जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मानव अधिकार दफ्तर के बाहर किसान ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने सरपंच पर आरोप लगाया है कि जमीन के पैसे लेकर पट्टे पर जमीन नहीं दी, जिसके बाद किसान ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। मेरे भाई किसान था और खेतीबाड़ी का काम करता था। उसने पंचायत से पट्टे पर ज़मीन ली हुई थी। स्टिल हमारे गांव का जो सरपंच है सुभाष, उसने उससे ज़्यादा पैसे लिए थे कि भाई तेरे को फालतू ज़मीनें देंगे और तू हमें पैसे देते। उसने उसे पैसे दिए, 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसे कोई ज़मीन नहीं दी गई। जब उसे जितनी पोली की ज़मीन थी उसकी वो भी नहीं दी गई, तो उसने इसकी शिकायत CM Indo पर भी की। पुलिस चौकी में FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उसकी वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं। TC कार्यालय में भी गया और जो भी BDPO जो भी कार्यालय होते हैं सभी जगह उसने गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। पर यही है कि 15 लाख रुपए इसने उमंग सरपंच को दिए थे और इनका पैसे का लेन देन था और उसी की वजह से ये मैंने सुना है कि इसने सुसाइड किया। मैटर इन्वेस्टिगेशन का है
इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, इस मैटर को देखेंगे, ठीक है। जो भी इसमें एरिंग ऑफिशियल होगा वो उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। सर मामला वैसे क्या था, ये क्यों ऐसा? हरियाणा की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।